हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सॉरी, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, मुझे उसका बहुत अफसोस है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास लैपटॉप नहीं था वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि आइडियाज़ तो बहुत थे लेकिन एग्जीक्यूशन बिल्कुल नहीं हो पा रहा था उसका। लेकिन अब हमने एग्जीक्यूट कर दिया है आइडिया को और वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए एनिमेशन के ऊपर। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊँगा कि आप कंप्यूटर पर ही ऑनलाइन एनिमेशन कैसे बना सकते हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पावटून वाली साइट का यूज़ करके कैसे एनिमेशन बना सकते हो। मुझे अभी अभी याद आया इस साइट से, क्योंकि मैंने 9th क्लास में इसका यूज़ करके एक एनिमेटेड प्रेजेंटेशन बनाई थी इन्फॉर्मेशन वाली, जो बहुत ही ज़बरदस्त थी। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि इसमें एक वाटरमार्क आता है इसको हटाने के भी। और गाइस, वीडियो का एंड तक देखते रहिए, क्योंकि एक पूरी सीरीज़ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें पूरी वीडियोस के बारे में पता चल जाए। तो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन देख सकते हैं। सिंपली आपको ऑनलाइन एनिमेशन या प्रेजेंटेशंस बनाना है एनिमेटेड कैरेक्टर्स का यूज़ करके, तो आपको सिंपली एक मैं साइट पे लेके चलते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। तो उसका नाम है पावटून। पावटून पे जाकर आप सीधा यहाँ पर पहली साइट खोली है, पावटून वीडियो मेकर, मेक वीडियोज एंड एनिमेशंस ऑनलाइन। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को साइट का नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखो तो यार इससे 7 करोड़ पावटून्स क्रिएट किए गए, मतलब एनिमेशन वाली वीडियोज़ तो उसी के लिए। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपनी वीडियोस बनाई हैं, जैसे कोका कोला, ईबे और स्टारबक्स। तो यहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो किस तरह की वीडियोस इससे बन जाती हैं। तो सिंपली मैं लॉगिन करना सिखा देता हूँ, साइनअप सिखा देता हूँ, आप कैसे स्टार्ट करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको सीधा अकाउंट मी पर क्लिक कर दिए और कंटिन्यू कर दिए, तो ताकि आपको जो उनके अनाउंसमेंट हैं, टिप्स और ट्रिक्स हैं, उसका ईमेल मिलते रहे, ताकि आप और अच्छे से सीखो। तो आप इसलिए येस काउंट ऑन मी पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर शायद मुझे डिटेल्स भरने के लिए आएंगी, नहीं आई। तो यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है पावटून की आईडी, इतना सिंपल था। बस यहाँ पर आपको जाके जीमेल से लॉगिन कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके पावटून्स क्रिएट किए जाएंगे। तो आगे मैं बताता हूँ आपको किस तरह आपको वीडियोज इसका यूज़ करके बनाना है। तो गाइस, जल्दी से यहाँ पर मैं आपको इस साइट का ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे इस साइट पर आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। अभी आप देख सकते हैं मैंने वीडियो 2 टुकड़े बनाई है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ऑफ चल रहा है 68% का, जहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन अभी आप देख लिए, बाद में भी डिस्काउंट देते रहते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर आप जो कर सकते हैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार। आप यहाँ पर अगर देखेंगे, मोर टेम्पलेट्स पर जाएंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें आप पावटून का यूज़ करके बना सकते हो। तो यहाँ पर आप वाइट बोर्ड एनिमेशन बना सकते हो अपनी, अगर आप कंपनी चलाते हो या कोई फेसबुक इंस्टाग्राम पेज है उसके प्रमोशन के लिए वीडियोस बना सकते हो, जहाँ पर सिर्फ तुम्हें फोटोज़ डालने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह की चीज़ें तुम बड़े आराम से पावटून पे कर सकते हो। वाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर मार्केटिंग वीडियोज़ बन सकती हैं, एक्सप्लेनर वीडियोज़ बन सकती हैं और प्रेजेंटेशन बन सकती हैं। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है यहाँ पर ब्लैंक पावटून पे। ब्लैंक पावटून पे क्लिक करने के बाद ये आपके लिए पावटून क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर गाइज, हमारा पावटून खुल चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है, पूरा समझा देता हूँ, फिर अगले पार्ट में आपको बनाना सिखाऊंगा एक्चुअल एनिमेशन। क्योंकि आप बेसिक समझ लो, बेसिक समझ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी। तो गाइज, सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हैं हम यहाँ पर साइड में स्लाइड बार है, यहाँ पर पावटून है, टेम्पलेट्स हैं, ब्लैंक पावटून है और ये सब आ जाता है, ठीक है ना गाइज। और ये एडिट है, ये क्रिएट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पर क्रिएट वाला ऑप्शन, जहाँ से आप कैरेक्टर्स इंपोर्ट करोगे वगैरह। और यहाँ पर आपको अंडू रीडू करना है, और ये अनटाइटल्ड है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपना माय फर्स्ट पावटून कर लिए, ठीक है ना गाइस। तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये दिया जा रहा है कि आप स्क्वायर में बनाना चाहते हैं या वर्टिकल में, जैसे आप मोबाइल के लिए बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, स्क्वायर के लिए बना सकते हो, या आपको यूट्यूब वीडियो के लिए बनाना है। यहाँ पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, अगर आपको डिटेलिंग एनिमेशन करना है। और यहाँ पर आपकी टाइमलाइन है, जहाँ पर आपका एनिमेशन चलेगा गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, जो उन्होंने दिए हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं। बैकग्राउंड यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आप, ठीक है ना, और हायर कर सकते हैं किसी डिज़ाइनर को। यार मतलब क्या क्या चीज़ें हैं यार सॉफ्टवेयर में। यहाँ से टेक्स्ट एडिट कर सकते हो तुम, और उसकी सेटिंग्स भी आएंगे। यहाँ से मेन अपना कैरेक्टर्स ऐड हो जाएंगे, जैसे ऑफिस से कैरेक्टर्स हमें ऐड करना है तो ऐसे क्लिक कर दोगे तुम, ऐड हो जाएंगे यहाँ के ऑफिस से कैरेक्टर्स, ठीक है ना गाइस। तो अभी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ इस साइट पर, अगले पार्ट में आपको पूरा एनिमेशन की डिटेलिंग बताऊँगा। और यहाँ पर आप प्रॉप्स एडिट कर सकते हो, कि अगर आपको क्या लेना है, मग्गा लेना है या मग्गा कह रहा हूँ यार मैं भी, और कैमरा लेना है या हेडफोन लेना है वगैरह। और यहाँ से शेप्स आ जाएंगे जो भी आपको चाहिए। और यहाँ से इमेजेस डल सकती हैं हमारी पूरी बिना दिक्कत के, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और यहाँ से वीडियोस इंपोर्ट करके डाल सकते हो, साउंड आ जाएगा यहाँ से, अपना वॉइस ओवर कर सकते हो यहाँ से, या म्यूज़िक ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तुम पावटून में कर सकते हो गाइस। और यहाँ से आप एक और स्लाइड ऐड कर सकते हो यहाँ पर, अगर आपकी ये बन गई, फिर आप जब प्ले करोगे
तो आपको अलग ही मज़ा आएगा देखने में। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार प्ले करके आपको, एक आध दूसरा कैरेक्टर हम यहाँ ऐड कर देते हैं, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है गाइज। इतना सिंपल है यहाँ पर यार गाइज, बिल्कुल बहुत सिंपल है। यहाँ से अगर आप प्ले करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना गाइज। तो इस तरह आपको एनिमेशन बनाना है। तो अगले पार्ट में आपको पूरा डिटेलें बताऊंगा कि यार किस तरह आप एनिमेशन बनाना स्टार्ट करोगे, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइज आपने देखा कि किस तरह आपको इस पर वर्क करना है साइट पर, वो मैंने बता दिया। अगले अगले पार्ट में आपको बताऊँ किस तरह आप एनिमेशन बनाना शुरू करेंगे, कैसे कैरेक्टर्स को मूव करना है, कैसे उनके पास एक्सप्रेशन लाना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।